हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठंड बहुत है अभी, 8:02 हुए हैं, ठीक है। अभी ग्रहण लगने वाला है, और ग्रहण कह रहे हैं कि 8:45 पे लगेगा, 8:15 पे लगेगा और 10:55 पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, माहौल कैसा है यहाँ का, सुनने वाला 15 लाख लोग हैं, 15 मुझे लगता है यहाँ 1 लाख भी आना मुश्किल हो रखा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से 1 लाख तो आगे होगा, पर मैं आपको अभी सारा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और वीडियो लंबी हो सकती है, पर एक ही पार्ट में आएगी, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी मैं करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तो 8 बजे हैं, 3 घंटे शूट करता रहा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आपको नज़ारा दिखाता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सूर्य ग्रहण है आज, तारीख क्या मैं बता देता हूँ, आज हैगी 26 दिसंबर 2019, टाइम हुआ है 8:03, ठीक है, और टाइम शोर थी 8:03 ही हुआ है, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ, सूर्य ग्रहण का टाइम था 8:15 से लेके 10:55 तक सूर्य ग्रहण है, और सूर्य साहब का कोई नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, पूरी धुंध हो रखी है। तो अब आपको बैक का नज़ारा दिखा देता हूँ, ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुष्टियाँ चल रही हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कैमरामैन देख, तो ये सारी मीडिया, आधे से ज़्यादा मीडिया यहीं पर लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ यही घूमने वाला हूँ, ठीक है। इनके साथी रिखई राठौर व ग्राम हरि, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो लोठू राठौर को यहाँ सूचना प्रसारण केंद्र से आकर के ले जाए। लोठू राठौर और बाकी इधर है मीडिया सेंटर, मीडिया सेंटर है इधर, मीडिया वाले इधर काफी ये कवर कर रहे हैं, आप मीडिया वाले को कवर करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो कि अभी काफी ऑलमोस्ट बहुत चैनलों पर आने, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये फिलहाल खड़े हुए हैं, ठीक है, अपने सारे न्यूज चैनल जितने भी है सारे लगे हुए हैं इधर। ये अपना भजन गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सूर्य ग्रहण का पूरे। कैसे है तो ये कवर हो रहे हैं अपना प्रोपर है। ओवरऑल सारा कवर कर रहे हैं, ओवरऑल जहाँ बहुत मीडिया वाले आए रखे हैं, A to Z न्यूज आए हैं, सारे के सारे आए रखे, ठीक है। ये देख सकते हो इधर, तो फ्रेंड जैसे जैसे टाइम नेड़े आ रहा है वैसे वैसे सारे पानी में जा रहे हैं, ठीक है, और कि 8 बजने से पहले पहले खा पी लेना आता है, ठीक है। श्रद्धालु अभी लेटे हुए हैं और क्राउड बढ़ता जा रहा है, बल्कि ज़्यादा नहीं, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो कम था, अभी जैसे जैसे आई आ रहे हैं, देख सकते हो कई धर्मशाला में अभी सो रहे हैं, ठीक है, कई आई आ रहे हैं। और टाइम क्या है मैं अभी बता देता हूँ, टाइम किसी को पूछ के बताऊँगा मैं, अभी मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊँगा कि अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ उसका टाइमिंग क्या है, ठीक है। बल्कि अभी 8 बजने वाले ही हैं, ग्रहण 8 बोल दिया, 8 बज के कुछ टाइम मिनट होने वाला है। भाई टाइम बताना जल्दी बता दें, 8:00 बल्कि 14 मिनट हुए हैं, 1 मिनट बाद ग्रहण लग जाना है, ठीक है। ये देखो पूजा की पूरी तैयारियां चल रही हैं, जैसे 1 मिनट हो जाएगा तो सारे ऑलमोस्ट काफ़ी जने आ रखे हैं, और जनसंख्या का हिसाब ना लगाइए तो अभी तो 1 लाख के आसपास आ रखी है, ठीक है। अभी ग्रहण आप देख सकते हो कि सारे उनकी तैयारियाँ कर रहे हैं, अभी जैसे ही ग्रहण लग जाएगा तो जहर वाला हो जाएगा भीड़, यहाँ पर देखते हैं एंड तक देखेंगे, 3 बजे तक हम देखेंगे ये डो हो गया, ठीक है। बाकी ड्रोन भी उठ रहा है, चक्कर से तो ड्रोन भी यहाँ पूरा ध्यान रखने के लिए, बल्कि शूट करने के लिए, सही शूट करने के लिए ड्रोन भी उठ रहा है, ठीक है। तो चलो सीन है कुछ ऐसा, मैं बता देता हूँ, अभी तक तो 1 लाख जनसंख्या आ चुकी है, पूरे ब्रह्मसरोवर पे आ रखी है। मैं पूरा ब्रह्मसरोवर नहीं घूमने वाला क्योंकि या तो मेला लगा होता है, बल्कि दुकानें शॉप से लगी होती है, आपको दिखाता पता नहीं चलता, अगर मैं ऐसे ही आऊँगा तो काफ़ी वो हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो शुरू हो गया है और ये देख सकते हो बोट्स भी है काफ़ी, और अब सारे बीच में जाएंगे, काफ़ी जने बीच में जाएंगे, ठीक है। ये चेक कर सकते हो ठंड में, ओए 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 इतनी ठंड में नहाना, ग्रहण तो पाप तो वैसे ही धुल जाते हैं, ग्रहण हो ना हो आप पानी में जाओ इतने ठंड में, वैसे ही ओ एक्सरसाइज भी हो रही है, ताजा वार्म अप रहे साथ के साथ। ओहो सही है भाई यार, तड़के यार उठना पैदा, वैसे उठे ना उठे पर वीडियो के कारण कुछ भी करना पड़ता है यार, काफी जनों के मैसेज आ रखे थे। बाबा
ठंड बहुत है और इधर ये मेडिकल वाले सारे का घूम रहे हैं, आज किसके चोट लगी है तुरंत के साथ सही कर दे, जा एक से जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, स्नान हो रहे हैं। इधर देखो ठंड में नहाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है मीडियम स्पीड, ठीक है, और अब ये बताओ कहाँ से आए हो स्नान करने के लिए, बताओ जनकपुर मिर्जा नगरी बिहार से, बॉटम से, बिहार बॉटम से, बता दूंगी यहाँ के ओवरऑल मीडिया चैनल सारे आए हुए हैं, मतलब कि जितने भी न्यूज़ पे आपको खबर दिखने वाली है ना ब्रह्मसोर की देखेगी यहाँ से भी दिखेगी, और क्या कहते हैं हरिद्वार तो जहर हो रखा होगा, पूरी भीड़ होगी हरिद्वार तो, ठीक है, अभी ग्रहण शुरू हो रखा है, भीड़ तो आई जा रही है, ठीक है, पर अपने लास्ट दिखाना है कि लास्ट में कितनी भीड़ होती है, ठीक है। सुनने में जो जनसंख्या थी वो थी 13-15 लाख, ठीक है, कईयों का अनुमान था 13 लाख, कईयों का था 10 लाख, पर अभी तक जो पब्लिक आ रखी है यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं आ रखी, कमी आ रखी है, ठीक है, और ठंड के कारण बड़ा फ़र्क, बहुत फ़र्क पड़ता है ठंड का, अगर इन्हें 15 लाख बोला चार जल्द से 7 लाख आ जाती, अगर इतनी ठंड ना होती तो दिसंबर ठंड नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है, तो अभी देख सकते हो ये सारे स्नान कर रहे हैं पीछे और मुझे देख देख कर ठंड लग रही है, ठीक है। बाकी मीडिया वाले अब हिसाब लगा देता हूँ मैं, वैसे वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ 50,000 तो जो स्टाफ है, मीडिया है, पुलिस है, इनको मिला के ही हो जाएगी, ठीक है, तो जो श्रद्धालु नहाने वाले आए हैं वो ओवरऑल 1 लाख आए होंगे, ठीक है ना, अभी तक तो 1 लाख आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सारा ब्रह्म सौर है ना, तो 1 लाख आ चुके हैं। बाहर वाली साइड भी काफ़ी है, कई धर्मशाला में ने जिन रूम ले रखा है, और कई क्या करेंगे और सिर्फ 11 बजे के बाद, मतलब कि 10 बजे जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तब स्नान करने आएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी यहाँ पे इस बार 2 लाख भी क्रॉस कर जाएगी, नहीं, अनुमान गलत, सारा अनुमान गलत, ठीक है, तो हो सकता है, तो अपने क्या लेना, ठीक है, अपन को कमेंट आए थे कि भैया शूट कर देना, हमने शूट कर दी, बस लाइक कर देना, ठंड बहुत है, ठीक है, तो अब मैं इसको स्किप करके थोड़े 1 घंटे बाद शूट करूँगा ताकि क्राउड थोड़ा और हो जाएगा। बाकी इनको क्या देखना, आप अपने घर में भी नहा ही रहे होंगे, बाकी श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, ये देखो झंडे लेके खड़े हुए हैं, तो उधर चल रहा डांस पूरा दिखाता हूँ मैं आपको ग्रहण का। हेलो फ्रेंड्स, ये लगाओ, ये गुरुकुल वाले हैं, कहीं ना कहीं गुरुकुल वाले होंगे, ठीक है, ये सिस्टम फौरन बना रखा है, ठीक है, फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भूल गया, वृंदावन से हो सकते हैं, ठीक है, इधर 1 नंबर गेट है, यहाँ से एंट्री हो रही है, ठीक है, ये 1 नंबर गेट है, यहाँ से एंट्री हो रही है, और यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे आ रहे, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं नहाने, ठीक है, ये आप देख सकते हो एकदम भीड़ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भीड़, अभी 8:30 हुए हैं, ठीक है, और 8:30 हुए हैं, तो क्राउड तो अभी खैर होने लग गया काफ़ी, तो लगता है कि हाँ अभी अब लग रहा है कि 3 लाख क्रॉस करेगी, पर ज़्यादा नहीं, 15 लाख क्रॉस किसी भी हाल में नहीं करती, 15 लाख तो दूर की बात, 15 लाख नहीं, 15 लाख 1 लाख ये बात सही है, नहीं 1 लाख तो मिनिमम मेरे ख्याल से, अब करोड़ के हिसाब से मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ थोड़ा ना, तो फ्रेंड्स अब लग रहा है कि हाँ अभी पब्लिक आ रखी है, ये देख सकते हो, ठीक है, अब लग रहा है ये सूर्य ग्रहण, ठीक है ना, मतलब कि अभी जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा, अभी 8:30 हुआ है, जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे यहाँ क्राउड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ये देख सकते हो अभी मतलब कि ग्रहण लगा है, 15 मिनट हुए हैं, क्योंकि 8:27 हुए हैं, ठीक है, और 8:15 पे ग्रहण शुरू हुआ है, और 10:55 तक ये ग्रहण रहेगा, ठीक है, ये चेक कर सकते हो मेरे बच्चे, अब तो लग रहा है ना, मतलब कितना अनुमान लगाया कि वो 3-4 लाख आएगी, अभी पब्लिक देखो कैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, अभी 8:30 हुए, बाकी थोड़ी लेट शूट करूँगा तो आपको और पता चल जाएगा, कुछ बैक साइड में कितनी मतलब कि आ रही है पब्लिक, काफ़ी आ रही है, मुझे लगता है कि हाँ जोर मार के ये 3 लाख के पास जा सकती है, कंफर्म नहीं जा सकती है, पर एक चीज़ बताता हूँ, कुरुक्षेत्र वाले सारे जो जितने भी कुरुक्षेत्र वाले हैं जिनको काम है वो तो आ रहे हैं, बाकी सारे घर से आराम से सो रहे हैं, पर अगर देखा जाए ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र सारी धर्मनगरी है, आप कहीं अगर घर में भी नहाते हो, मेरे बाद में दम है तो मुझे बताना कमेंट करके,
अगर धर्मनगर या कहीं पे भी जाओगे तो जल तो एक जैसे ही आएगा, क्योंकि ये जल ही ओवरऑल सबको सप्लाई होगा, चाहे जो भी यहाँ आ रहा है। तो धर्मनगरी में अब आके जहाँ मर्जी नहाओ और पुण्य तो हो ही जाएगा, पाप तो उतर ही जाएगा, चाहे आप घर नहाओ चाहे आप ब्रह्म सरोवर पे नहाओ। पर एक ना पॉजिटिव एनर्जी होती है जो यहाँ आके बढ़ जाती है, बाकी जिनकी घर में रहती है उनकी घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। बैग में भीड़ होता है, मेरे बैग में भीड़ देख लो, बल्कि अभी आ रही है, अभी टाइम 8:30 हुए और पब्लिक आ रही है। ठीक है, अब मंदिर वाली साइड में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये पुल होता है ना, पुल चढ़ रहे होते हैं ये 360 एंगल। तो फ्रेंड्स आप कहते हैं स्किप, पक्का स्किप, अब तो चलानी ही नहीं है, अब चलाएंगे 1 घंटे बाद, बल्कि 9:30 बजे चलाएंगे। ऐसी बात नहीं, लोग दान भी कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर देख सकते हो, ये चेक कर लो। दान पुण्य करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, जो ये देखो जितने भी दान पुण्य लेने वाले हो यहीं पे है। ठीक है, शनि का दान, छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं। ठीक है, वैसे सुना जाए तो इन्होंने क्या भी तो आया, क्या पाप कर दिया इन्होंने। चलो बढ़िया है, बोले ठंड है, किस्तियाँ चल रही हैं। ठीक है, और इधर भीड़ भी है, इधर भी भीड़ है, ओवरऑल सारी जगह भीड़ है ही है। फ्रेंड्स अब थोड़ा क्राउड बढ़ता हुआ, ठीक है, ये देख सकते हो अब कितना क्राउड है। ठीक है, अभी तो अभी क्या है सीन है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो कि भीड़ काफ़ी हो रही है। ठीक है जी, देख सकते हो अभी भीड़ बढ़ रही है, अभी टाइम हुआ है 8:45, मतलब कि 9 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 9 जब 11 बजेंगे तब देखेंगे कितना क्राउड आता है। ठीक है, अब तो वैसे अभी भीड़ तो काफ़ी हो रखी है, क्योंकि अभी सारे आ रहे हैं ना, ग्रहण लग गया, तो अभी सारे स्नान करने आ रहे हैं, ये चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बोट्स भी चल रही हैं यहाँ पे, ये चेक कर सकते हो, बोट्स कंटिन्यू चल रही हैं यहाँ पे, कोई ध्यान रखे कोई डूबे ना, ये तो इसलिए बोट्स चल रही हैं, पूरी सुरक्षा है, तो ये देख सकते हो भीड़। मैंने माना कि ठंड बहुत है पर नहाना जहर है। ठीक है, मतलब कि ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इधर भी नहा जा रहे हैं, और रेलिंग के पार ना जा भाई, ये पता नहीं रेलिंग के पार, भाई सीढ़ी नहीं है, ठंड कवर लो कवर। और स्नान कर रहे हो, मतलब कि ये भी सही है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठंड, ये देखो छोटे छोटे बच्चे आया है बेचारा ठंड में, ऐसे कर दे ना नहीं मत निकाल, ठंडे हो जाएंगे यार ये बचाओ दल भी जा रहा है नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी जो हैगा टाइम लगभग हो चुका है अपना 9:30 हो रखा है, जो चाव दल भी नहा रहा है, पाव धोए जा रहे हैं, पूरे पूरे हैं जहर वाले पाव धोए जा रहे हैं, ओह ये पूरे जोश में अपना बम बम होते हुए। तो फ्रेंड्स सीन हैगा कुछ ऐसा, तो ये चल रहे हैं, ये इधर हो गया है ग्रैंड, पूरा भीड़ हो गई है अच्छी खासी, जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, बाकी 11 बजे तक पता चल जाएगा कि कितने कितने रहेंगे। ठीक है, तो बोटिंग में चेक कर सकते हो, बोटिंग घूम रही है, ओ परे 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 बोटिंग घूम रही है, बोटा घूम रही है अंदर, कंटिन्यू नॉन स्टॉप बोटिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है फिसल लेना, थोड़ा ध्यान से चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आप देख सकते हो, दान करो। ठीक है, ये देख सकते हो भीड़ बहुत है, ठीक है, जितना कहा था कि हाँ अभी इतनी पब्लिक आएगी उतना क्राउड नहीं है, पर हाँ क्राउड है, ठंड के कारण काफ़ी फ़र्क पड़ा। अगर सपोज करो यहाँ ठंड नहीं होती, ठंड कम होती तो क्या होना था, तो ये भीड़ डबल हो जाती, तो वो एस्टिमेट लगाया जाए तो यहाँ मेरे हिसाब से 1 लाख जनता आई होगी, 1 लाख, क्योंकि अगर आप ये आगे दोबारा आती है, पूरे जोश में ये नहा रहा है, जिस स्वाद तो ये ले रहा है, बाकी तो बस काम घूम के नहा गए हैं, गिल्ले हो गए बाहर आ रहे हैं, ये स्वाद तो ये ले रहा है, ओ सुबह ओए। वैसे पाप तो हमारा भी धोया गया, हम बाहर खड़े हैं वीडियो बना रहे हैं, ये कम है क्या
मैंने तो मुंह भी नहीं धोया, तो हमारा भी धोया गया, हम छूट कर रहे हैं, सॉरी सभी को दिखा रहे हैं घर बैठे, कोई तो एक एक बंदा तो बोल लेगा ही इनका भला हो, ये ठंड में जाके हमारे लिए शूट कर रहे हैं, मैं मुंह धो लूं, सोच आओ कैमरा धोते हैं, ठीक है ना, ये अपना बस यही नहाना होता है, हमने बस इतना नहाना था, हमने इतना नहा लिया, ठीक है, अभी सूर्यग्रहण चल रहा है जबरदस्त वाला, ठीक है, ओह मीडिया जा रही है ऊपर, ये चेक करो सीढ़ियों से, ठीक है, और अभी ओवरऑल काफ़ी मीडिया आ रखी है और भीड़ भी काफ़ी हो रखी है, भीड़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ भीड़ है, कैसे कैसे भीड़ है, हम जा रहे हैं अब ऊँची जगह पे, जहाँ पे आपको अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो संडे वाले दिन जब गीता जयंती थी तब सबसे ज़्यादा भीड़ थी, तब आई थिंक सही वैल्यू में 2.5 लाख 3 लाख तब हो सकते हैं कि तब वह इतने होंगे, पर भीड़ है, पर सूर्य ग्रहण का मेला और भीड़, ओह ठंड 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 लग रही है, और मैं शूट कर रहा हूँ, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इतनी लंबी वीडियो बना दूँगा, मेरी इतनी मेहनत कर दूँगा मैं, उसके बाद आप देखोगे भी नहीं, देख लो देखोगे नहीं, क्योंकि आपने देखनी 2-2.5 मिनट स्किप कर करके देखोगे, क्या फ़ायदा, तो आप भीड़ देख लो बस, ठीक है, सूर्य ग्रहण पे भीड़ चेक कर लो, पर सही मैंने भीड़ तो आपको लास्ट में पता चलेगी कितनी मतलब की भीड़ हैगी है कि नहीं हैगी, 11 बजे आपको सारा पता चल जाएगा कि हो ग्यारह बजे जितने भी इधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं ना, जितने बैठे हुए हैं तो वो सारे इधर आ जाएंगे, वैसे अभी खुला इसलिए लग रहा है क्योंकि जब यहाँ शॉप्स लगी होती है ना तो वो ऑडियंस उधर नहीं बैठती, अभी उधर भी है तो आप समझ सकते हो ना, अभी स्नान हो रहे हैं, ठंड 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 ठंड, इतने ठंड में एक बार नहाने के बाद नहीं ठंड लगती, ये बात मानोगे चाहे नहीं मानोगे, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण का मेला, ठीक है, ब्रह्म सरोवर सूर्य ग्रहण का मेला चेक कर लो, भीड़ है, भीड़ तो है पर आई थिंक 1.5 लाख 1.5 लाख के पास होगी, क्योंकि परला एरिया भी भरा है, ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, परले जितनी भीड़ है एंड तक ये देख सकते हो जो भी बड़ा हुआ है, बल्कि क्या होता है कि जब गीता जयंती का मेला होता है ना तो हाफ आधा होता है ये, हाँ उनके 2.5 लाख के आसपास तो जनसंख्या पहुंच रखी है, 2.5 लाख तो है ये मानो चाहे ना मान, क्योंकि अभी जो ब्रह्म सरोवर वो पूरा भरा हुआ है तो 2.5 लाख तो है, मुझे देखो भीड़ तो है अब, बल्कि वैसे बीच भीड़ के बीच में चल के नहीं लगती भीड़, वैसे भीड़ है, और इधर पूजा हो रही है और शूट भी हो रहे हैं, पब्लिक देख सकते हो सूर्य ग्रहण पे कितनी है, अब ये मैं कर रहा हूँ ऊपर से शो, देख सकते हो कितनी भीड़ है, ये सारी जगह जो सारा सरोवर भरा पड़ा है एकदम जहर वाला, ठीक है, ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ भी आ रखी होगी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास से तो जनसंख्या ज़्यादा ही है, बल्कि 3 लाख आ रखी है, क्योंकि ये जितनी भीड़ इधर देख रहे हैं ये पूरा 3 किलोमीटर में पूरी भीड़ है, ठीक है, और ये देख सकते हो बीच में भी वो भर रखा है, पर गीता जयंती में ये चीज़ सिस्टम नहीं होता, गीता जयंती में सिर्फ ये वाली बढ़ती है, और जहाँ पे मैं अंदर दुकानें शॉप्स लगती है वो भी सारे भर रखे हैं, तो इसी हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा है जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा है, बल्कि 3 लाख है, अभी 11 बजे 5 लाख तक पहुँच जाएगी जनसंख्या, अनुमान देखा जाए 5-7 लाख बहुत हो जाती है, ठीक है, ऊपर से देख लो, ये देख लो कितनी भीड़ है, वो दिखाऊँ थोड़ा, ये देखो ये भीड़ 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 ये सारी उत्तर रथ वाली साइड, मतलब कि ओवरऑल सारा ब्रह्म सरोवर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, नणे नणे शूट दिखा दिया बढ़िया वाला, तो ये तो बढ़िया होगा अगर शूट बढ़िया हो गया एकदम, ठीक है ना, ये देखो पूरा ब्रह्म सरोवर, ठंड में शूट कर रहा हूँ मैं, ये देखो मतलब कि ये देखो यहाँ तक निकल जा रही है ना, भीड़ भीड़ है, सूर्य ग्रहण में सारे पाप धोने आ गए, इतने पाप करते क्यों हो, गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक पीछे म्यूजिक लगाना पड़ेगा, भीड़ अंदर है उतनी भीड़ बाहर भी है, तो एवरेज लगा लो कि हाँ भी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, अभी बाहर भी भीड़ है, तो मैं बीच में अगर जैसे राधे राधे सॉन्ग चल रहा है उस पर मैं क्या करूँगा, अगर बाई चांस कॉपीराइट स्ट्राइक आ भी जाता है तो मैं वहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दूँगा, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है, तो भीड़ ओवरऑल बहुत है, भीड़ सिर्फ अंदर ही नहीं है बाहर भी भीड़ है, ठीक है, मतलब कि जितनी जनसंख्या अंदर है उतनी ही बाहर, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो एस्टिमेट लगाया जाए तो अभी तक अभी 9:30 हो गए हैं, 9:30 से शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा,
और अभी तक 5 लाख के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है सूर्य ग्रहण पे, और सूर्य साहब जी छुपे हुए हैं, ठीक है, वो ग्रहण से बच रहे हैं, ठीक है। तो अभी बहुत भीड़ हो रखी है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो आप, इधर जितनी भीड़ है ना, ये मतलब कि सारे सरोवर पे, ये सारी एकदम पूरे सरोवर पे भरी हुई है, ठीक है। मतलब कि अनुमान 13 लाख का था, अभी 5 लाख आई है, 15 लाख का अनुमान था, 5 लाख आई है, अभी 10 लाख आने में बाकी है, अब वेट करते हैं 10 लाख कब तक आती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये ओवरऑल 7 से 8 लाख के आसपास आएगी कह सकते हैं, क्योंकि अभी 5 लाख है जो ऑडियंस, वो तो दिख ही रही है कि 5 लाख तक आ चुकी है, क्योंकि जितनी ये आप रैली देख रहे हो सरोवर, ये पूरा भरा हुआ है, अंदर शॉप्स भी इनकी कवर हो रखी है। जब गीता जयंती का मेला होता है, आप सपोज करो शॉप्स में, एक शॉप्स में मिनिमम नहीं 10 जने बैठे हैं, तो वो सपोज कर लो 10 शॉप लगा लो, एक मेंबर में 10 जने बैठे हैं, और जाइए और जियाँ डगा के इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया खुल जाता है। पर अभी जो ब्रह्मसौर पर लगा हुआ है वो ए टू जेड, कहीं पर किसी एरिया में भी चले जाओ सारा भरा पड़ा है, एकदम भरा पड़ा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 5 लाख ऑडियंस मतलब कि पब्लिक आ चुकी है, 5 लाख पब्लिक बहुत हो जाती है, ठीक है। अभी जैसे 11 बजेंगे, जो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये एक जहाँ स्नान कर रहे हैं, ये सारा एरिया पटाख से भरेगा, जैसे 11 बजेंगे 10:55 होएंगे, पता लगेगा ग्रहण खत्म आ गया, शुभ टाइम आ गया, बढ़िया टाइम आ गया, तो सारे पानी में कूदेंगे, बेहिसाब से पानी में कूदेंगे। तो अभी तो एक एक दो दो जने देखने को मिल रहे हैं ना, फिर सबने जल्दी जल्दी कूदना है और घर जाना है सबने, ठीक है। जुड़े रहे मेरे साथ, मैं आपको एंड तक दिखाऊंगा वीडियो सूर्य ग्रहण का मेला। तो फिलहाल शुरू हो चुका है, ख़त्म पे ज़्यादा वो आपको भीड़ मिलेगी, आप चेक कर सकते हो कि भीड़ कितनी है, ये आप देख सकते हो। और ये बढ़िया बड़ा शूट ले रहा हूँ मैं, मतलब कि ड्रोन तो नहीं है, ऐसे ही शूट ले रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, अभी ये देख सकते हो, अभी साइरन्स भी बज रहा है फ्रेंड। जितनी भीड़ इधर है, ये ओवरऑल 3 किलोमीटर तक ये सारी ऐसे ही जनसंख्या है, उसके बाद ये अंदर भी है, मतलब कि बाहर वाली साइड भी सेम ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, ठीक है ना। अब ये अभी 11 नहीं बजे, 11 जब बज जाएंगे फिर आप देखना कि कितने 11 बज जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतनी भीड़ तो इधर है ही है, आप इधर बाहर भी देख सकते हो, बाहर भी क्राउड काफ़ी है, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है ना, बाहर भी सारे क्राउड है, मतलब कि आप हिसाब लगा लो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी जनसंख्या आ चुकी है। देख सकते हो कि कितनी भीड़ है इधर, अब मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक कैमरा आ रहा वहीं तक आप देख सकूँगा, ज़्यादा नहीं देख पाओगे, ठीक है। ओवरऑल अभी भजन भुजन चल रहे हैं पूरे, और सारे जने स्नान करा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, हम जा रहे हैं बोट में बैठने का जुगाड़ करने, अगर बोट में बैठ गए तो अंदर से आपको दिखाएंगे सारा, ठीक है। ये भाई अपने साथ जा रहा है, जा रहे हैं, अगर बोट में बैठ गए तो आपको बढ़िया एक शूट मेरा हो जाएगा, जिसके कारण ये देख सकते हो ड्राइवर, ठीक है। तो अगर बोट में से शूट करता हूँ तो आपको पूरा एरिया दिख जाएगा, अभी आप देख सकते हो कि मैं अभी चल रहा हूँ एक गेट से दो नंबर गेट की तरफ चल रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे क्राउड काफ़ी है, आपको बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ, बाकी आप पीछे देख सकते हो, ठीक है ना, बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये भी ओवरऑल काफ़ी बड़ा हुआ है, और 5 लाख ऑडियंस आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ यह पब्लिक है, जो सिर्फ यहाँ नहीं है, पब्लिक बाहर वाली साइड भी है, ओवरऑल ये देख सकते हो इस साइड भी है, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे भी है, बल्कि सारी जगह पब्लिक है, तो उसी हिसाब से तो आप देख सकते हो कि 5 लाख पब्लिक हो चुकी है। और 11 बजे तक देखा जाए तो 11 बजे तक आपकी जो पब्लिक है ये क्रॉस कर जाएगी 7 लाख, ठीक है ना, क्योंकि 11 बजे तक जितनी पब्लिक इधर उधर घूम रही है वो सारी आपको ब्रह्म सरोवर के अंदर दिखेगी कि हाँ भाई जितने पाप किया कर लो, अब सही समय आ गया नहाने का, अब नहा लो, ठीक है ना, पाप धो लो अपने, और क्या। राम राम भाई, वो कैमरा भैया आगे चला था, हम तो पीछे से आ रहे थे, आवाज़ तो आ गई भाई, कहता हम भी, मैं कैमरा तो आगे वाला चल रहा था भाई, कहता आवाज़ तो आएगी, आवाज़ तो आ गई होगी, फेमस कर दो। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं उस साइड, ठीक है, वीडियो लंबी होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बाकी कोशिश रहेगी कि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। जो भाई नहा रहा था ना और कूद कूद के ऐसे ऐसे, वो यही था जो मतलब कि पानी के अंदर एंजॉय करता है, बाहर नहीं इतना एंजॉय होता, ये पानी के अंदर ही ज़्यादा एंजॉय करता है, ठीक है। अभी ये सारा मतलब कि स्नेत इस साइड भी सारा भरा पड़ा है, ठीक है, इस साइड भी सारा भरा पड़ा है, तो हिसाब लगा लो कि पब्लिक है। 15 लाख का अनुमान लगाया था और 5 लाख तक तो अनुमान, मतलब कि 5 लाख तो हो चुका है, पर 11 बजे तक मुझे लगता है आई थिंक
8 लाख पब्लिक आ ही जाएगी 11 बजे तक, है ना? हाँ, है ना, 11 बजे सुबह ने कह दिया मुझे 8-10, बाकी देखते हैं। बाकी अभी पब्लिक बढ़ी जा रही है, क्योंकि कई क्या हुआ कि कई 26 तारीख को अपने घर से चले, सपोज करो जैसे दिल्ली से चले, सुबह 7 बजे चले, तो उन्होंने यहाँ 10:30-11 बजे तक पहुँच जाना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल आई भी जा रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी पटरी जो है, रेलगाड़ी में पटरी तो चली रहती है खैर, पर जो रेल है कि ये रेलगाड़ी में आ रहे हैं, जिनका टाइम शायद रेलगाड़ियाँ भी लेट हुई होंगी। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ अभी हर एक रेलगाड़ी रुक के जाएगी, और अगर यहाँ पे ये हाल है तो क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं यहाँ आरतियाँ बहाने जाते हैं, नहीं नहीं यहाँ से वो लेके आते हैं हरिद्वार, हरिद्वार तो बड़ी भीड़ होगी ना यार, क्या करें, मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं है ना, मैं तो सिर्फ यहाँ गीता जयंती कवर करता हूँ, नहीं तो पता ही अपा स्विमिंग ही सिखाते हैं, ठीक है ना। तो बस अब देखते हैं किस्ती में बैठ पाते हैं या नहीं, अगर किस्ती में बैठ गए तो बढ़िया हो जाएगा, तो अभी किस्ती में अगर पहले जुगाड़ लगाते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, तो नहीं तो पैदल ही सही। अभी मैं जिस एरिया में आया हूँ वो वहाँ पे, मतलब कि ये आप चेक कर सकते हो, ये सारे गोताखोरी है, ये आनंद जमात है गोताखोर, ठीक है। इधर देख सकते हो आप शिप्स, देख सकते हो सारी शिप्स इधर लगी हुई हैं, ठीक है। अभी इधर भी है और परली साइड में भी शिप्स है, ठीक है। तो ये आप पीछे देख रहे हो जितने भी, ये यहाँ पुलिसिए वाले पुलिस कर्मचारी भी है और गोताखोर भी है, ठीक है, ठीक है ना। श्री रणधीर सिंह इंस्पेक्टर, श्री रणधीर सिंह इंस्पेक्टर फ्लड, फ्लड फ्लड फ्लड। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, गोताखोर है, ठीक है, पटवारी फतियाबाद, वीर सिंह पटवारी फतियाबाद, ठीक है, फ्लड इंस्पेक्टर फ्लड कुरुक्षेत्र से अनिल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखते हो पीछे भी काफ़ी क्राउड है, और इधर भी बोट्स है, और सेम बोट्स उधर भी लगी, मैं वो वाली बोट भी दिखाता हूँ, कुछ बोट बाहर भी है, मैं ये नहीं है कि अंदर ही, अभी मतलब कि सारी बोट मतलब कि उसके हिसाब से इन्होंने डाली है। ये देख सकते हो बोट इधर भी है, अभी बाहर भी है, बाई चांस क्या होता है कि ज़्यादा बोट्स की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। ये देख सकते हो बोट्स का पंखा पंखा, ये मोटरसाइकिल देख सकते हो, इधर भी सेम बोट्स लगी हुई है, ठीक है। तो मेला तो है, खैर सूर्य ग्रहण का मेला, सारी बोटें चल के रुक चुकी हैं, मतलब कि चल रही हैं, कुछ बोटें चल रही हैं जो कि अलग है, जैसे ये लकड़ वाली चल रही हैं, जो येलो वाली बोटें थी, मतलब कि ये ऑरेंज वाली बोटें थी वो रुकी हुई हैं, ठीक है। तो बोट में बैठने के 15 मिनट लगेंगे, मतलब कि 15 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा, वेट करने का टाइम मेरे पास है नहीं, और ग्रहण ख़त्म हो जाएगा जब तक मैं बोट में बैठूंगा। अगर बाई चांस बोट में बैठा तो मेरे 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे, और मैं सोच रहा था बोट में बैठ के आपको सारा एरिया दिखा दूँ, वो एरिया नहीं दिखा पाया, एटलीस्ट बोट तो आपने देख ली है। और बोट में बैठने के लिए बड़ी मतलब कि वो है, अभी फॉर्मेलिटी बोट है, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, जो स्पेशल जो बोट बोट पे आए हुए हैं, जो बोट के ऊपर बकायदा एक लिस्ट बनाई हुई है कि हाँ ये शख्स बैठ सकता है, ठीक है, वो ही बैठ रहे हैं, ठीक है। और बस यही सिस्टम है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी जो टाइम हुआ है 10:15 हुए हैं, 16-17 हुए होंगे, पर ग्रहण ख़त्म होने में लगभग 10:55 को ख़त्म होना है, तो जोर मार के आधा घंटा रह गया, आधे घंटे बाद पूरी आपको दिखाएंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद एंड कर देंगे, क्योंकि आधा घंटा आपके लिए नहीं, आपके लिए तो 5 मिनट रहेंगे, 2-3 मिनट रहेंगे, तो उसके बाद एंड कर देना आपने, ठीक है। जैसे ग्रहण ख़त्म हो जाना, और सूर्य दिख रहा है, वैसे अगर सूर्य दिख रहा हो ना तो एकदम सही वाला वो हो जाता ना, शूट हो जाता कि हाँ भाई कैसे वो बीच में आ रहा है, कैसे वो सारा चीज़ शूट हो जाता है ना। चलो जुलाई में भी सुनने में आ रहा है कि जुलाई में भी है, पर मैं वो नहीं कवर करूँगा, मैं तो ये बस बहुत कमेंट आए थे इसलिए कवर करूँगा, अदरवाइज मैं ये भी नहीं कवर करता, ठीक है। तो बस यही सिस्टम है, तो अब मैं जा रहा हूँ भीड़ वाली साइड, भीड़ इधर भी है उधर भी है, सारी जगह भीड़ भीड़ है। तो ओवरऑल एस्टिमेट 5 लाख ही आएगी जनसंख्या, जो 5 लाख है इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो बस ठंड लग रही है, ठंड है बहुत, हाथ सुन्न हो रहा है, मैं कभी उठा नहीं, मैं तो घर जाके वापस एडिटिंग करके सो जाऊँगा, सेफ होएगी जो वीडियो टाइम लगाएगी, सेफ होने के लिए लगाएगी। तो अभी वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ रथ के पास कितनी भीड़ है। हम आ गए रथ के पास, ठीक है। तो ये हम रथ के पास आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो कितनी है, ठीक है। ये देख सको उधर कुछ स्पेशल मिल गया, आरती उरती हो रही होगी तभी उधर, इसलिए इतना क्राउड है, ठीक है। आप इधर देख सकते हो रथ, और ये मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लगाया, क्या यार नॉर्मल एंगल पे रखना, ठीक है ना। ये देखो इधर देख सकते हो, इधर फोटो खिंचाने वाले फोटो खिंचा रहे रथ के पास, इधर हो रही है आरती, जग हो रहा है, जग नहीं, ओहो सूर्य ग्रहण, ठीक है। इधर हो रहा है एंजॉय, सूर्य ग्रहण कर रहे हैं एंजॉय। तो हम जा रहे हैं परली साइड,
ठीक है। और भीड़ ओवरऑल सारी जगह यही देख सकते हो, ठीक है। इधर भी देख सकते हो कितने श्रद्धालु नहा रहे हैं, ये रथ के एकदम सामने हैं, ठीक है, ये बैठ के सिंह कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, ये सूर्य ग्रहण का मेला, ठीक है ना, ये क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको देख के इधर भी सिंह कर रहे हैं, सारे भगवान का नाम ले रहे हैं, सूर्य ग्रहण है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो, इधर अभी स्नान चल रहे हैं, ठीक है। इधर पूजा होएगी, पूजा होएगी या होगी ये पता नहीं, होएगी होएगी, अभी देख सकते हो इधर बैठे हुए, ठीक है। और उधर देखो भीड़ लगी हुई है, ये देखो क्या लगी हुई है भीड़, ठीक है फ्रेंड्स। सारे भगवान का नाम भी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन आरती भी होगी, ठीक है। आरती आई थिंक आज रात को होगी, ठीक है। ये देख सकते हो सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी सूरज की चढ़ने की दिशा इस साइड है, अभी सूरज भगवान पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी मेन आरती, यहाँ पे सजावट हो रखी है, अभी मेन आरती होगी आई थिंक शाम को या फिर होएगी रात को, ठीक है। तो ये एरिया है आरती वाला, ठीक है। इनके इन ब्लॉक्स के अंदर ये आरती होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स भीड़ का अनुमान लगा लो आप अपने आप, पर 500,000 से ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, ये कन्फर्मली हो चुका है, ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। कन्फर्म किसने किया है, मिस्टर मनी ने, ये मनजीत सिंह सैनी ने, ठीक है। मतलब कि एस्टिमेट ही है, 500,000 से ज़्यादा नहीं है, किसी भी हाल में 500,000 से ऑडियंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नहीं बाहर वाली साइड भी है ना, जब जैसे 11 बजेंगे ना तो देख लेना आपको 500,000 ही दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड्स 500,000 ज़्यादा का अनुमान लगा रहा है, मतलब कि मैंने ज़्यादा अनुमान लगा दिया, पर ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सरोवर के अंदर देखा जाए तो सरोवर के अंदर जोर मार के, बहुत ज़्यादा जोर मार के अपनी 300,000 होगी, ठीक है। पर बाहर इतनी होगी 500,000, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, 500,000 से ज़्यादा है ही नहीं। बाकी 11 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, क्या पता जो कुरुक्षेत्र में सो रहे हैं वो सारे उठ के आ जाए तो अनुमान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 500,000 से ज़्यादा नहीं होती, 500,000 ही है ओवरऑल। अभी इस सरोवर के अंदर जो है 300,000 के आसपास है, ठीक है, 3,500-3,000 के आसपास है। बाकी जो बाहर ऑडियंस है कि धर्मशाला में भी रुक रही हुई है, कई मंदिरों में ही पूजा करवा रहे हैं कि सरोवर पे नहीं है, क्योंकि कई भगवान का नाम अपने घर में बैठ के ले रहे हैं। बस ये है कि जैसे ग्रहण ख़त्म हो जाएगा वो नहाने के लिए ब्रह्म सरोवर आ जाएंगे, कई घर में नहाएंगे। ये देख सकते हो भीड़ है इस साइड, उस साइड थोड़ा परली साइड कम है थोड़ी भीड़, क्या इस साइड बहुत भीड़ है, ये आप चख सकते हो भीड़ इस साइड है ज़्यादा, ठीक है। और बीच में चल रही थी आरती, आई थिंक आरती की कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, अगर आरती की कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई मैं वहाँ पे म्यूजिक हटा दूँगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, पर फिर वो मज़ा नहीं रहेगा ना। तो भीड़ देख सकते, ठीक है, और मैं चल रहा हूँ आगे, भीड़ देख ली अपने, हम आगे जाएंगे और आगे जाके हम इसको बंद कर देंगे। और 15 मिनट रह गए ग्रहण ख़त्म होने में, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट रह गए ग्रहण ख़त्म होने में, 10:55 नहीं 15 नहीं रहता, 15 से ज़्यादा रहे, 15 इससे ज़्यादा, क्योंकि 10:30 हो गए हैं और पूरे 25 मिनट रह गए, आधा घंटा रह गया, आधा 25 से 20 मिनट रह गए, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे जा रहे हैं और भीड़ इधर बहुत हो चुकी है, चेक कर सकते हो 10:55 तक का ग्रह है, ठीक है। अभी 10:32 हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि वही 20 से 25 मिनट रह गए हैं, तो 25 मिनट बाद ग्रहण ख़त्म हो जाएगा 11 बजे। सारे लोग जो नहा के अभी बाहर आए हैं वो फिर वापस नहाएंगे, ठीक है, क्योंकि पाप तो इन्होंने किया, हमने तो पाप किए ही नहीं है, हम लोग घर जाके नहा लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वापस आके फिर वापस शूट करेंगे, ठीक है। बस पाँच नहीं, आपके लिए एक मिनट की और शूट है, उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे। सूर्य ग्रहण मैंने पूरा कवर कर लिया है, सुबह 8 बजे उठा हूँ और सुबह इतनी भीड़ नहीं थी, और एस्टिमेट देखा जाए तो ब्रह्मसर की जो भीड़ इधर दिख रही है, इस एरिया में दिख रही है और मंदिर के पास, और पहली साइड इतनी भीड़ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, मतलब कि जहाँ शॉप्स लगती है वहाँ ऑडियंस देख सकते हो आप कितनी बड़ी हुई है, ठीक है। इधर देख सकते हो, इधर भी ऑडियंस, पब्लिक है सारी जगह, ठीक है, बाहर भी पब्लिक है, तो अनुमान है कि 500,000 ही पब्लिक है, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम शूट करेंगे, ठीक है। ये दूर दूर से आ रखे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बाहर में भी काफ़ी क्राउड है, बाहर आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितनी पब्लिक है। अभी क्या कर सकते हो, अभी ग्रहण ख़त्म होने में मात्र 15 मिनट रहते हैं, ठीक है, अभी सारे पब्लिक यहाँ पे आने लग गया, ठीक है, आप क्या कर सकते हो।
और ये इधर इस साइड भी काफ़ी पब्लिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे सारे मीडिया वाले चैनल वाले आ रखे हैं, कई लाइव चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो बाहर वाली साइड में भी काफ़ी भीड़ है, और जहाँ पे नेट का बंदोबस्त पूरा किया हुआ है ये आप चेक कर सकते हो, इधर भी कितनी भीड़ है, ठीक है ना। तो अनुमान सिर्फ 5 लाख का ही है, क्योंकि ये इस साइड ज़्यादा भीड़ है। ओ देखिए भाई इतनी लोही, तो इधर देख सकते हो, ये देख सकते हो कितनी भीड़ है इधर, ठीक है ना फ्रेंड। सूर्य ग्रहण पे काफ़ी जनों ने मतलब कि स्नान करने आया, लोग दूर दूर से स्नान करने आए हैं, ठीक है ना। कि ये भीड़ जो सुनने में आ रही थी कि हाँ अभी भीड़ जो कम आएगी, तो काफ़ी भीड़ आई है सूर्य यार, तो ये आप चेक कर सकते हो काफ़ी भीड़ आई हुई है, ठीक है। तो अभी 15 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा ग्रहण, और मतलब कि लगभग 11 बजे होगा, तो अभी 11:15 हुए हैं, 10 मिनट रहते हैं, ठीक है, ग्रहण ख़त्म होने में। तो हम 10 मिनट रह गए हैं ग्रहण खत्म होने में, 10 मिनट बाद ग्रहण खत्म हो जाएगा सूर्य ग्रहण। उसके बाद सारे जो खड़े हुए हैं ये स्नान करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कर लिया वो सोचेंगे हमने स्नान कर लिया, पर सही में नहीं क्या होता कि जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तब स्नान करना होता है, ठीक है। तो ओवरऑल पब्लिक इस एरिया में कुछ ज़्यादा है, उधर थोड़ी कम है, ठीक है, मतलब कि बाकी जगह मैं घूम के आया हूँ। तो ओवरऑल 5 लाख पब्लिक जो आ रखी है वो 5 लाख ओवरऑल आ रखी है, ठीक है। अनुमान जो लगा रहा था वो 15 लाख का था, फिर कई कह रहे थे 13 लाख आएंगे, कई कह रहे थे 3 लाख आएंगे, पर ठंड काफ़ी है, ठंड के हिसाब से काफ़ी असर पड़ा है। अगर ठंड ना होती तो आई थिंक शायद तो 7 लाख के आसपास पहुंच जाते, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पीछे पब्लिक काफ़ी है, मतलब कि पूरी भीड़ है। मैं उधर से इधर आया तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्या आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट बाद मैं फिर शूट करूँगा, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो का। मैंने कोशिश किया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सूर्य ग्रहण जो वीडियो है मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई आप वीडियो बनाना, तो ओवरऑल मैंने फाइनली वीडियो बना ली, तो इसी बात पे लाइक कर देना। सूर्य ग्रहण खत्म होने में फाइनली 5 मिनट रह गया, 5 मिनट बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। पीछे देख सकते हो अभी पूरा क्राउड है, ठीक है ना, 5 मिनट इधर बोर्ड फूड भी सारी चल रही है। तो 5 मिनट बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, ब्रह्मसरोवर पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और ओवरऑल 5 लाख ही पब्लिक आ रखी है, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं आ रखी, इस एरिया में ज़्यादा है, थोड़ी उस एरिया में कम है, ठीक है। ये थोड़ा कई बहन भी कहते हैं ना मंदिर के पास ही नहाएंगे, और बाकी रथ के पास भी काफ़ी भीड़ है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि 5 मिनट रह गए, उसके हिसाब से क्राउड, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चलो बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, पर दिक्कत आती है ना कि बैक कैमरे में दिखाते कि तो ऐसे नहा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र प्रमुख होने लगे हुआ, पूरी भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि अनुमान आप खुद लगा सकते हो कि ओवरऑल 5 लाख से ही पब्लिक आई है, 5 लाख से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं आई, ठीक है, क्योंकि इस एरिए में ज़्यादा भीड़ है, उस एरिया में बहुत कम भीड़ है, मैंने देख के आया था, ठीक है। ये देख सकते हो इस एरिया में बहुत कम भीड़ है, ये देखो इधर कम भीड़ है, बस यहाँ से लेके वो नुक्कड़ तक लेके, यहाँ से वो नुक्कड़ मतलब कि वहाँ तक, वो उस एरिया तक, वहाँ तक भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। ये इतने एरिया में भीड़ काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ जो यहाँ पे है, और परली साइड में भी भीड़ है, मंदिर के पास भी काफ़ी भीड़ है, ठीक है। अभी देख सकते हो ये सारे स्नान कर रहे हैं, ठीक है, कहीं उन्हें 11 बजे के बाद कूदना है, कहीं नहा के घर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी 5 मिनट है, पहली साइड भीड़ है, उस साइड इतनी भी भीड़ है, मतलब काफ़ी भीड़ है, ठीक है ना। सुनने में आ रहा था 15-13 लाख आएंगे, 13 लाख की तो नहीं, पर 5 लाख तो मिनिमम आए हुए हैं। तो 5 लाख के हिसाब से ये आप देख सकते हो सूर्य ग्रहण का मेले में कितनी भीड़ है, 5 लाख के हिसाब से भी काफ़ी भीड़ है। अगर 13 लाख आए होते तो बिल्कुल ही खच मची हुई थी, पर फिर भी आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल मीडिया वाले भी काफ़ी सैड मतलब कि कवर कर रहे हैं, पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं। देखो यहाँ पे जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सिर्फ ओनली मीडिया ही है, ठीक है, अदर पर्सन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेक कर सकते हो कि आपको घर बैठे बैठे सारा कुछ मिल रहा है, ये आप सुन रहे हो, अनाउंसमेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल विंट रह गए 3 खत्म होने में, जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं तुरंत आपको बैक कैमरा चला के दिखा दूंगा। अब देख सकते हो कि ओवरऑल ज़्यादा काफ़ी जने नहाने अब जा रहे हैं, ठीक है, आपको आप देख सकते हो थोड़ा ऊंचा करके दिखा सकते हो, ठीक है ना, इधर काफ़ी भीड़ हो रही है, ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो, और बाहर भी है। ओ ये चेक लो आपकी खींच ली, ठीक है ना, इनकी भी आपने फोटो खींच ली, ये भी कर्मचारी है स्नान कर। तो फ्रेंड्स भीड़ चल रही है, इधर भी देख सकते हो आप, इधर भी पूरी भीड़ है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप, भीड़ है सूर्य ग्रहण की, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, ठीक है। अभी टाइम जो है मैं देख लेता हूँ, बल्कि 1-2 मिनट रह गए होंगे ग्रहण खत्म होने के, उसके बाद हम बैक कैमरा, और उसके बाद कहानी खत्म, ठीक है ना। कि आप सूर्य ग्रहण का देख सकते हो, ये लगाएंगे ना ब्रह्म सूर्य ग्रहण,
तो बढ़िया रहेगा थंबनेल जो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स 10:57 के सूर्य ग्रहण खत्म है, तो अभी देख सकते हो कि अभी काफ़ी श्रद्धालु नहाने जा रहे हैं, ठीक है ना, बल्कि कई तो स्नान करने ही आए हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता सूर्य ग्रहण कब खत्म होना है कब शुरू होना है, बस उन्होंने स्नान करना है जो कि अपने आप को पवित्र करने आए हैं। पर कईयों को ये है कि हमें सूर्य ग्रहण के बाद नहाना है, आप देख सकते हो कि पानी में क्राउड जाने लग गया है, अभी 2 मिनट हो गए सूर्य ग्रहण खत्म, ठीक है 2 मिनट खत्म हुए, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ये सारा कवर कर लिया है, आई होप कि मैंने कोशिश की है कि वीडियो लंबी ना हो। मैं सुबह जब आया था बहुत कम क्राउड था, और अब फाइनल 11 बजे मैंने बोला था काफ़ी क्राउड होगा, तो क्राउड देख सकते हो अब काफ़ी है, ओवरऑल जितनी भी जनसंख्या सारी उठ के अब स्नान करने लगी है, और ये अभी आज पूरा दिन ऐसे चलता रहेगा, पूरा दिन भीड़ रहेगी, पर मैं पूरा दिन नहीं रहने वाला, अभी हम घर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे फिर हम क्या करेंगे, फिलहाल हम भी मुंह हाथ धो लेंगे, ठीक है, फिलहाल फिर हम क्या करेंगे आराम से शॉप पे जाऊंगा, ये वीडियो जो मैंने शूट की है ये सारी एडिटिंग करूंगा, इसको सेव होने में कितना टाइम लगेगा उसके बाद अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हो सूर्य ग्रहण ख़त्म है, ठीक है, और सूर्य देखने को जरा सा भी नहीं मिला, तो चलो बैक कैमरा दिखा देता हूँ थोड़ा उसके बाद एंड, क्योंकि ओवरऑल ग्रहण ख़त्म हो चुका है और ये यहाँ पे श्रद्धालु नहा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो एकदम भीड़ हो रखी है अब सरोवर में, ऑलमोस्ट सारे नहाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे डे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ये नहाते रहेंगे वो जाते रहेंगे और भीड़ कम होती रहेगी। तो आई होप कि आपको बढ़िया लगा हो जो भी मैंने सूर्य ग्रहण का ब्रह्मसरोवर पे मेला कवर किया है, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। फाइनली सूर्य ग्रहण हो गया ख़त्म, ठीक है, देख सकते हो मीडिया वाले ने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया है, ठीक है, पीछे अभी पब्लिक सारी स्नान कर रही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना, तो आप पीछे देख सकते हो, आज के लिए इतना काफ़ी, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सभी ने सपोर्ट किया तो 50K सब्सक्राइबर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अगले आने वाले साल में कोशिश करेंगे कि 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हमारे प्ले बटन मिल जाए, तो क्या कितना मज़ा आ जाएगा ना। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे दोनों चैनलों को, टेक्निकल लवली मनी चैनल पे मेरे 32K सब्सक्राइबर हुए हैं, बल्कि 32,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो दोनों चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं अच्छे से ग्रोथ कर पाऊँ। अगर आपको मोबाइल की नॉलेज लेनी है, या इलेक्ट्रॉनिक बाइक होगी, फ्रिज होगी, ओवन होनी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में जो भी है वो टेक्निकल लवली मनी पे वीडियो डालता हूँ, इसमें मैं मेन जो डालता हूँ वो स्विमिंग की डालता हूँ, पर गीता जयंती जब मैंने स्टार्ट किया तो गीता जयंती के सब्सक्राइबर है, तो इसलिए उनके लिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जनों के कमेंट आए थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, बाय, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी, प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करें जैसे करते हो, इसको भी टेक्निकल लवली मनी चैनल को भी सपोर्ट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू वॉच द वीडियो।